जल गया मुंह, कुछ भी नहीं मेरे पास। हाय गाइस, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, मैं अभी जस्ट उठा हूँ, अभी 7:30 हो रहा है। तो गाइस, मैं ये ब्लॉग इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं ऐसा होता है कि जब ब्लॉग नहीं बनाते तो बनाता ही नहीं, तो मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि कुछ ना कुछ ब्लॉग डालूँ बोल के। तो वैसे भी मेरा जो एल्डर सिस्टर है बोल रहा था कि कुछ ना कुछ ब्लॉग डालो बोल के, तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ ना कुछ ब्लॉग बनाने के लिए। तो अभी आज दिन क्या होने वाला मुझे पता नहीं है, तो मैं जब उनका ही ब्लॉग बना के डालूंगा। तो अभी मैं दिखाऊंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल अभी मुझे पूरा घर सफा करना है। सफा करके उसके बाद में हमको जाना है निकाला से। तो अभी मैं घर का हुलिया दिखाऊंगा, ठीक है, एक मिनट। तो ये रहा गाइस, अभी हमको अभी बेड मिलाना है। तो सुबह 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 बेड भी ऐसा है, तो अभी मैं साफ करूँगा। तो इसे साफ करने के बाद आगे का काम शुरू करूँगा। उसके बाद ये रहा गाइस, ये जो बर्तन है ना, ये कब का है बोलने से कल दिन का है। तो ऐसा होता है जब भैया होता है तो पूरा साफ सुथरा करके रख देता है। तो जब मैं होता हूँ तो मैं ऐसे सोचता हूँ कि हम ही है तो कभी भी धुला लेगा बोल के। तो भैया को गंदा बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है, तो मैं आगे आगे धुला देता हूँ। तो ये सब ही उसको धुलाना है। खाते खाते मस्त से खाते बना बनाते लाने में थोड़ा बोर हो जाता है। वैसे मैं ये सब काम में तो लेजी नहीं हूँ, लेकिन भैया नहीं होने से थोड़ा लेजी हो जाता है। तो कोई नहीं, तो पहले तो खिड़की खोल लेते हैं, बटरू मार रहे हैं। तो गाइस बर्तन धुला लेते हैं, तो आगे का क्या करना हो। तो गाइस, मेरा बर्तन सुर्तन धुला के सब कुछ रेडी हो चुका है और मैंने किचन भी पूरा क्लीन कर दिया है। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है, एक मिनट। ये रहा गाइस, मेरा किचन पूरा क्लीन हो चुका है। ये सब देखिए, पहले यहाँ पे कितना बर्तन था, अभी पूरा खाली हो चुका है। मैंने पूरा धुला दिया है। तो ये रहा ढेर सारा बर्तन, तो पूरा क्लीन हो चुका है। तो किचन में काम हो चुका है, तो अभी मैं ब्रश कर लेते हैं। ब्रश करने के फ्रेश हो जाते हैं। फ्रेश होने के बाद मैं आप लोगों को, अरे यार अभी बाथरूम में भी आप लोग आएगा क्या? तो चलो आप लोगों को बाद में मिलते हैं, ठीक है। तो गाइस, मेरा ब्रश करके हो गया है, फ्रेश भी हो गया। तो मैंने पूरा ब्रश कर दिया है। तो अभी हमको पीना है ग्रीन टी, तो थोड़ा ग्रीन टी पी लेते हैं। उसके पीने के बाद में तो चार्ज के लिए रेडी करते हैं, ठीक है, चलो। गैस, ये पानी सफाई है। हाँ, हम लोग उधर में ना फिल्टर होके आता है, उधर में पीछे में फिल्टर है बहुत बड़ा सा। तो
तो यहाँ पे मेरा बन रहा है ग्रीन टी, पानी गर्म होने देते हैं, उसके बाद में ग्रीन टी पीते हैं। चलो, यहाँ पे मेरा ग्रीन टी के लिए पानी उबल चुका है, तो गैस अप। तो चलो इसे लटकने देते इधर। उसके बाद में फ्रिज में है थोड़ा सा और, ये मैंने ये बचा के रखा था, तो टूटा फूटा हो गया। चलो फिर गाइस चाय का मजा लेते हैं, आई मीन ग्रीन टी का मजा लेते हैं, ठीक है। चलो, मेरा ओरियो बिस्कुट भी तो लाना है, उससे मैं कहाँ छोड़ूंगा। ये मेरा ना, ये ओरियो बिस्कुट मेरा सबसे फेवरेट बिस्कुट है, ये बहुत मजा आता है। तो मैं इवनिंग को मॉर्निंग को खाता हूँ ग्रीन टी के साथ में। गाइस मेरा ना कैमरा का क्वालिटी बहुत खराब है, बहुत खराब है, इसलिए लोग बनाने को डील ही नहीं करता है। इतना खराब, इतना खराब है, क्या बताऊं। और वीडियो का क्वालिटी क्लियर ही नहीं है। जल गया मुंह। तो गाइस हमको जल्दी रेडी सेडी होना पड़ेगा, क्योंकि एक भैया का साथ जा रहा है, पड़ोसी भैया का साथ में, तो वो भी चार्ज जा रहा है, बट उनका चार्ज अलग है, मेरा चार्ज अलग है। तो सोचा एक साथ निकलूं, क्योंकि मेरे पास मेरा अपना गाड़ी भी नहीं है, तो इसलिए मैं उनका साथ जा रहा हूँ। तो चलो गाइस मैं आप लोगों को बाद में रेडी करके मिलता हूँ, ठीक है। तो गाइस मैं रेडी सेडी हो चुका है, वहाँ पे भैया भी जल्दी बुला रहा है, तो अभी मैं निकलूंगा। चलो 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 मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, ब्लॉग। रुके मैम चाहिए। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं चर्च, चर्च के चर्च को अटेंड करेंगे। अटेंड करने के बाद में क्या क्या होता है मैं आप लोगों को बताऊँ। हाँ, तो अभी हम पैदल जाने से बहुत लेट को पूछना था, इसलिए भैया को चांस में डांस मार रहे हम। तो भैया भी चर्च जा रहा है, तो मैं भी चर्च जा रहा हूँ, तो सोचा एक साथ निकलूँ बोल के, इसलिए गोपुर का रास्ता तो क्या बोलेगा गाइस। गाइस उस रास्ता ना बहुत ही खराब है पूरा, ये रास्ता बहुत खराब है। अभी हम लोग जा रहे हैं ये रास्ता थोड़ा हाईवे है, तो जल्दी पहुंच जाएगा। तो गाइस भैया ने मुझे यहाँ पे छोड़ के चला गया, वो भी अपना चार्ज चला गया, तो अभी मैं जा रहा हूँ अपना चार्ज, तो रुको मैं चार्ज में मिलूंगा, ठीक है। चलो जी जी जी, प्यारा है ये, प्यारा है जी जी। हेलो हेलो हेलो, कुछ भी नहीं है मेरे पास, कुत्ता बहुत प्यारा होता है ना, डॉगी जो। मैं फाइनली पहुंच गया चर्च पे, तो वो रहा हम लोग का चर्च, तो आप देख सकते हैं, मैं सामने से दिखाऊंगा आपको। प्रेस ब्रिटेन चर्च ऑफ इंडिया गंगा एंड विवेक बिहार। गाइस मैं तो चर्च पहुंच गया, लेकिन चर्च में अभी फिलहाल कोई भी नहीं आया है, और सुनने में आया है कि मिस भी आइजोल चला गया बोल के, तो बाद में आएगा आदमी। तो ये रहा गाइस हम लोग का चर्च।
देखिए तो बात में यहाँ पे पूरा अनुरुख भर्ती हो जाएगा पूरा। ये एक छोटा सा घड़ी है, इसको चार्ज के तौर पे बनाया गया है। तो इसलिए उसको बाहर करने के लिए हम क्या करना है, परमेश्वर को चुनना है, परमेश्वर को अपनाना है। परमेश्वर जो बाइबल में भी लिखा है कि जोन चैप्टर 14 वर्स 1 से लेकर के पढ़ के लिखने से वहां में मिलता है कि हम ही रास्ता है, जो संगत को जो प्रॉब्लम को पार करने के लिए हम ही सच्चा रास्ता। तो गाइस चार्ज खत्म हो चुका है तो अब मैं निकल रहा हूँ घर। तो तेनाली से टेम्पो पकड़ेंगे, टेम्पो पकड़ने के बाद में डायरेक्ट जाइए और तो चलो फिर चलते हैं घर की ओर। गाइस मैं जस्ट अभी चार से आया हूँ। तो अभी हमको अभी खाना है, खाना खा के नहीं सबसे पहले फ्रेश होना है, फ्रेश होके खाना खाएंगे, खाना खाने के फिर कल पैकिंग वैकिंग करके हमको जाना है बस थी। तो चलो फिर गाइस मैं आप लोगों को बाद में मिलते हैं, ठीक है चलो। तो गाइस मेरा पूरा पैकिंग सेकिंग हो चुका है कल का जर्नी के लिए, कल मैं बस्ती जा रहा हूँ, मैं आप लोगों को बताया। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि मेरा पैकिंग सेकिंग किस टाइप से हुआ है, ठीक है एक मिनट। तो ये रहा गाइस, इसमें मेरा कपड़ा कम, पूरा सामान बहुत ज़्यादा है, कुछ प्रोडक्ट है और यहाँ पे मेरा कुछ मेन सामान है जो यूज़ करने का है। तो ये रहा, तो यही है, दो ही बैग है। तो कल मैं जाऊंगा बस्ती की ओर। तो गाइस ये एक छोटा सा ब्लॉग था, तो जस्ट मैं रेंडमली बनाया, कोई प्लानिंग नहीं था। तो अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। बाय बाय गाइस, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, ठीक है चलो।